बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करनी है। तो ये देख सकते हो भाई, 11 की है फैन, 11 की है आर्मी, तो भाई आर्मी में जाना है इसको। जय हिंद सर। प्रीमियर सर खुद लेते हैं क्लास? यस सर। पढ़ाते हैं? विदा मैम। यस सर। उनके पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? पढ़ा कर क्या बनना है? नहीं सोचा क्या? आईएएस अधिकारी। सपना भी बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं आईएएस बनना है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं रवि बाबू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूं आईसीएस ट्यूशन सेंटर पीली मंदोरी, आप देख सकते हैं। और अभी अंदर बच्चों का एग्जाम चल रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जो हमारे परिमल सर है, बबीता मैम है, आईसीएस कोचिंग सेंटर के नेतृत्व में ये आज पूरे हरियाणा के अंदर प्री एग्जाम चल रहा है। तो अभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और थोड़ी ही देर में बच्चे आ जाएंगे और बच्चों से फीडबैक लेंगे, एग्ज़ाम कैसा था, सिलेबस कैसा आया। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ एक बच्चे आ गए हैं, बारिश शुरू हो गई है। और क्या नाम आपका? विक्रम। विक्रम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ। सिक्स्थ क्लास में, किस स्कूल में? एम आर मेमोरियल स्कूल पीली मंदोरी। अच्छा, तो आपका एग्ज़ाम था आज, कैसा लगा एग्ज़ाम देकर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा, कैसा था एग्ज़ाम? अच्छा था। अच्छा था। सिलेबस कैसा था? सही था। आपके जो सब्जेक्ट है उन्हीं में से आया है, बाहर से आया है? नहीं, उन्हीं में से आया। अच्छा, उन्हीं में से आया है। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करनी है। तो ये देख सकते हो भाई, 11 की है फैन, 11 की है आर्मी, तो भाई आर्मी में जाना है इसको। जय हिंद सर। आपको बोलना है कुछ? क्या नाम है आपका मैम? कनिका। कनिका, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सतलुज पब्लिक स्कूल। सतलुज पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? सुकुट मंदोरी, बट्टू मंडी, बट्टू। अच्छा, तो आज का एग्जाम कैसा था आपका? बहुत अच्छा हुआ सर। बहुत अच्छा था। सिलेबस कैसा था? अच्छा सर। जो आपके सब्जेक्ट में है, वही आया या बाहर से आया? वही आया था। वही आया था, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला एग्जाम से। आपने पहली बार दिया या फिर कहीं पहले भी दिया एग्जाम? सर एक बार दिया था पहले। कहाँ पर? सर वो हमारे स्कूल में हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ है एक और स्टूडेंट जुड़ चुका है, आपका क्या नाम है सर? अंकित। अंकित, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल पीली मंदोरी। यस। अच्छा, तो ये देख सकते हो सरकारी स्कूल का छात्र हमारे साथ में अंकित है। अंकित, एग्जाम कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आज ही पहली बार दिया है या पहले भी दिया आपने? पहले दिया है। पहले दिया है, कहाँ पर दिया था? यहीं पर दिया था एक बार, यहीं पर आईसीएस ट्यूशन सेंटर में। अच्छा, तो फर्स्ट प्राइज़ आपको पता है 11,000 रुपये है, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हाँ, तो आपको क्या लगता है आपकी पोजीशन के बारे में, कुछ कॉन्फिडेंस है आपको? वो तो अभी पता नहीं है ना। कितने क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम के अंदर? 40 क्वेश्चन थे। 40 थे। और आपके, आपको कन्फर्म है भाई आपके कितने सही हैं? मैं 33 करके आया हूँ। 33 करके आए हो। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग थी। मार्किंग नहीं है ना थी, इसलिए मैंने चयन नहीं किए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको जो मतलब कंफ्यूज था वो उसने नहीं किया ना। यस, धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत। और कोई और बच्चा अगर अपना फीडबैक देना चाहता है तो प्लीज़ आ जाओ एक बार, एक दो और आ जाओ, बुला ले। तो ये देख सकते हो छोटा सा, एक बार इधर आ, ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, भागे है वो। सर एक बार प्लीज बोल दो कुछ, आ जाओ दो मिनट। आपने भी एग्जाम दिया था सर? एग्जाम दिया था। कैसा था एग्जाम? मुश्किल आया था पेपर, थोड़ा बड़े टफ था। टफ था। अच्छा, तो आपके सिलेबस में आया? सिलेबस में से आया, बाहर से बाहर से कुछ नहीं आया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? एम आर मेमोरियल। एम आर मेमोरियल पीली मंदोरी में। पीली मंदोरी। अच्छा, कौन सी क्लास में? नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास के अंदर। तो आपको वो मतलब एग्जाम देकर कैसा लगा एक बार? एग्जाम देकर अच्छा ही लगा। अच्छा लगा। हाँ, प्रैक्टिस हो गई। पहले कभी दिया एग्जाम आपने? हाँ, बहुत बार दिया है। धन्यवाद सर आपका। ये आपका क्या नाम है सर? कशिश। ये देख सकते हो कशिश है, जो हमारा JTSC का एग्जाम हुआ था तब तो ये छोटा था कशिश, आपने है ना MR मेमोरियल स्कूल के अंदर हुआ था। हाँ, तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन किया था कशिश है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, मदर टेरेसा के अंदर। यस। बट्टू। यस। कौन सी क्लास में? सिक्स्थ क्लास के अंदर। तो आज का एग्जाम था, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा था। आपके सिलेबस में आया बात से आया? सिलेबस का ही था, थोड़ा बहुत बात से हुआ। सिलेबस का था, तो कशिश है, बोलने भी अच्छा है। तो कशिश से मतलब आपको बड़ा होकर क्या बनना है? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट,
अच्छा लेफ्टिनेंट बनना भी देख सकते हो, बहुत बड़े सपने हैं कशिश के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कशिश के जो सपने हैं वो पूरे हो। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। वंदना कैसा था एग्जाम? बढ़िया था। बढ़िया था। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ती है। ये तो किशोरी लाल है ना, किशोरी लाल की लड़की है वंदना। एग्जाम कैसा था, मतलब अच्छा लगा आपको एग्जाम देकर? हाँ अच्छा लगा। पहली बार ही दिया या पहले कभी दिया है? पहली बार ही दिया। पहली बार दिया। अच्छा आपके दो सिलेबस है उसी में से आए हैं बाहर से? कुछ सिलेबस में से था, कुछ बाहर से था। क्या बनना आपको पढ़ा होगा? वो तो पता नहीं अभी, पता नहीं है, सोचा ही नहीं अभी तक। तो सोच लो अभी नाइन्थ क्लास में हो गई हो आप, आगे टेंथ क्लास है, बोर्ड की है, तो मतलब प्लस वन से पहले पहले आप सोच लो क्या बनना, डिसाइड कर लो, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो निखिल? सेकंड क्लास के अंदर। कौन से स्कूल में? एमआर मेमोरियल स्कूल। और ट्यूशन में पढ़ते हो आप? अच्छा एग्जाम तो नहीं था आपका ना, ठीक है, कभी फिर आगे होगा तो आप पाँचवीं क्लास में हो जाओगे तब देना, ठीक है ना? आपके पापा जी का क्या नाम है? नेमचंद। अच्छा ठीक है ना। और अभी हमारे साथ हमारे ताऊ जी है। राम राम ताऊ जी। राम राम। कौन से गांव से आए हो? रोपाना बिश्निया। रोपाना से। और आपके साथ कौन आया है? मेरे पोती पोता है। पोती पोता। अच्छा वो अंदर ही है क्या, बाहर नहीं आए अभी तक? नहीं अंदर, बाहर खड़े हैं। अच्छा बाहर खड़े हैं। सारी है। अच्छा तो आप आ गए आज हैं और एग्जाम दिलाने के लिए, कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा ही लगा है। अच्छा लगा। हाँ तो अभी आ जाएंगे, उनसे जानेंगे। हमारे साथ आ गए हमारे ताऊ जी के पोता है, आप देख सकते हैं। क्या नाम आपका? जतिन। जतिन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो जतिन? इन सेवन क्लास। अच्छा कौन से स्कूल में? सनराइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। एग्जाम कैसा था? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। और आपने तो पहले भी दिया था, जो दो साल पहले हुआ था जेटीएससी का एग्जाम, आए थे ना आप? यस सर। दिया था ना, तब कौन सी क्लास में थे आप? फिफ्थ में थे। फिफ्थ थे। अच्छा आपकी सिस्टर ने भी दिया ना? हाँ। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा, अच्छा था। सिलेबस में आया है बाहर से आया है? सिलेबस से ही है। अच्छा सिलेबस से ही आया है, ठीक है ना? तो अभी हमारे साथ है छोटी छोटी बच्चियां, आप देख सकते हैं एग्जाम दिया है इन्होंने भी। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ क्लास में। किस स्कूल में? सनराइज पब्लिक स्कूल। सनराइज में। और ट्यूशन भी लेते हो? यस सर। कहाँ से? आईसीएस। आईसीएस के अंदर ही पढ़ते हो? यस सर। तो आईसीएस वाले ट्यूशन कैसे देते हैं, मतलब? सर बढ़िया देते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन ही होता है ना? यस सर, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन के अंदर कौन कौन क्लास लेते हैं? सर मैम टीचर्स लेते हैं। प्रिमल सर खुद लेते हैं क्लास? यस सर। पढ़ाते हैं? यस सर। और बबीता मैम? यस सर। उनके पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा, जो समझाते हैं वो समझ में आ जाता है। यस सर। तो आज का जो अपना एग्जाम था वो कैसा था? सर बहुत अच्छा था। अच्छा था। और आपके सिलेबस से आया है बाहर से आया है? सर सिलेबस से। सिलेबस से आया है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। आपका क्या नाम है? नीतिका। नीतिका। ट्यूशन लेते हो आप? यस सर। आईसीएस से? यस सर। अच्छा तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। पहली बार दिया ना फिफ्थ क्लास के अंदर हो, ठीक है। बड़ा होकर क्या बनना है, नहीं सोचा क्या अभी तक? आईएएस अधिकारी। तो नीतिका का सपना भी बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं आईएएस बनना है। और मैं दुआ करता हूँ कि नीतिका एक दिन आईएएस जरूर बने और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो हेलो, आ गए हमारे साथ। आपका क्या नाम है? रजत। रजत। मेरा नाम निखिल है, मेरा भाई है। सेकंड में। निखिल क्या लगता है? भाई है आपका? हाँ। सगा भाई है? हाँ। सगा नहीं। अच्छा। है ये बोल रहा है सगा नहीं है। सगा नहीं है। हाँ। ट्यूशन पढ़ता है तू? हाँ। आईसीएस के अंदर ही? नहीं, तो दूसरी ब्रांच में। तो आज किसके साथ आया है? निखिल के साथ आ गया। यहाँ पर आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा।